नमस्कार, मैं कृति कुलश्रेष्ठ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 3-4 दिन से यहाँ डबरी में हैं, और साथ ही जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं नामांकन पत्र भरने के लिए, और साथ ही जो फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी की जा रही हैं उनका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख रहे हैं। आज यहाँ पर फाइनल डे है और यहाँ आखिरी दिन नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, और इसी मौके पर मेरे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मौजूद हैं जो अभी नामांकन पत्र भरकर आई हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके आई हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके लिए ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका अनुभूति, और साथ ही ये जो चुनाव है उनके लिए कैसा रहने वाला है और कौन उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है इस चुनाव में, हम ये सब कुछ उनसे जानेंगे। जी देखिए, हम तो इसी, क्या नाम है आपका? परवीन जी। और सबके साथ हैं, सब हमारे अपने हैं, कोई खास मतलब उसमें नहीं आते, सब ये जितने भी हमारे साथ हैं सब हमारे अपने हैं। जी, हमारी पार्टी में यंग जो है काफी जोर से जुड़ रहे हैं, और तजुर्बेकार हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत थी, जिसमें हमारी शाहजहां परवीन जो हमारी पार्टी से कैंडिडेट चुनी गई हैं महापौर के लिए, जो हमको रास्ता दिखाएंगी। अब तक हमारी नगर पालिका जो आज नगर निगम बना है, इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं उन्होंने भेदभाव के साथ यहां पर शासन किया है, इन्होंने जाति धर्म पर, किसी ने धार्मिक आधार पर, मगर हमारी पार्टी है वो ना किसी जाति की है ना किसी धर्म की है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी, यही हमारा मिशन है। हम लोग इस शहर के हैं और शहर हमारा है, इसे स्वच्छ रखना है, इसको तरक्की के राह पर ले जाना है, सभी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी है, बिजली है, सफाई है, सड़क है, ये सभी महापौर की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ हमारी जो आदर्श हैं शाहजहां परवीन वो इस काम में बिल्कुल खरी उतरेंगी और एक अच्छी मिसाल बनकर साबित होंगी। और फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी बनी हुई है? हमारे सामने तो कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को सब हाथों हाथ ले रहे हैं। अच्छा। और आगामी जो प्रदर्शन होगा वो बड़ा ही जोरदार और शानदार प्रदर्शन होगा और कांग्रेस विजय हासिल करेगी। जी, तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस एक पूरे नए जोश के साथ मैदान में उतरी है, और फिलहाल उनके लिए इस पूरी जग में कोई भी उनके लिए चुनौती नहीं है, ऐसा उनका मानना है। चलिए देखते हैं इस चुनाव में वो कैसा प्रदर्शन करती है। साथ ही आप बताइए मुझे आपने चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी की हुई है? कांग्रेस पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी का हर वार्ड में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। पार्टी हाईकमान द्वारा यहाँ शाहजहां परवीन जी को मेयर पद के लिए उतारा गया है। पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है, बल्कि सारा शहर और पार्टी प्रत्याशी के लिए जी जान से मेहनत करेगा। साथ ही एक नई बात जो आज मैंने देखी वो ये कि कुछ लोग इस चुनाव में अपना जो है पार्टी बदली है, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हम उनसे जानेंगे कि इस तरीके के फेरबदल का क्या रीज़न था, और साथ ही कांग्रेस में उन्होंने जो कांग्रेस से जो वो जुड़े हैं उसका क्या मतलब है, और साथ ही वो कैसा इसमें हेल्प अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारी महापौर प्रत्याशी हैं, हमारी बड़ी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस मेयर के चुनाव में वो विजय श्री प्राप्त करेंगे। और आपने मुझसे कहा कि बहुजन समाज पार्टी मैंने क्यों छोड़ी, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि बहुजन समाज पार्टी आज पूरी तरह धरातल पर आ चुकी है, और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व हौले-हौले ख़त्म होता जा रहा है उसकी अपनी नीति और करने की वजह से। बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादातर टिकट का वितरण आपने देखा पैसे के बल पर होता है। मैं कांग्रेस पार्टी में आया, मुझे खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी का जो सदस्यता शुल्क केवल 5 रुपये है, और पार्टियां 1000 रुपये दे करके भी फॉर्म ले रही हैं, जबकि मैं पार्टी पर संबंध। और दूसरी बात कि कांग्रेस से आज जिस तेजी से युवा जुड़ रहा है और युवाओं के लगाव पूरा कांग्रेस की तरफ है, मैंने सोचा मैं भी कांग्रेस की तरफ चलूँ और कांग्रेस के साथ अब तनबंदन से लाऊंगा। और बहुजन समाज पार्टी मेरे जीवन की पहली पार्टी थी, उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी मेरे जीवन की आखिरी पार्टी होगी। और बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी थी उसमें फ़र्क इतना था कि वो हाथी था उसका चुनाव निशान, और ये हाथ है, हाथी के पीछे मात्रा थी, वो उस मात्रा को हटा दिया, कोई मात्रा कील की तरह चुभ रही थी मुझे, अब मैं सब हाथ के साथ हूँ, हमेशा हाथ के साथ। तो इस चुनाव के लिए लोग आपको वोट दें, आपने ऐसी कौन सी नीति बनाई है इस बार, वो खास एक की पॉइंट आपके इस चुनाव प्रचार का क्या है? ऐसा है कि शहर में जो वो है गंदगी वगैरह जो है, तो उसको देख करके ही हमने मतलब ये बनाई है कि हम जो भी काम करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। जी, मेरा नाम अतुल चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ वर्तमान में। जी, और इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इस जंग को जीतने के लिए? कांग्रेस की रणनीति सबसे पहली तो ये रहेगी,
कि इससे पहले कांग्रेस के जब ये नगर पालिका थी तो चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी जी थे 1989 में, उनका कार्यकाल अभी तक लोग याद करते हैं। कांग्रेस की रणनीति ये रहेगी कि हम ईमानदारी से सुशासन देंगे, बिना किसी भेदभाव के देंगे, और जो विकास है जिसमें लोगों का विकास के पीछे अपना उद्देश्य निहित रहता था भ्रष्टाचार का, तो बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, बिल्कुल ईमानदारी से सारे क्षेत्रों का बराबरी से विकास होगा, और उसके अलावा कुछ नई योजनाएं भी लाई जाएंगी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूरा संगठन काम कर रहा है कि कुछ फिरोजाबाद के लिए ऐसी नई योजनाएं लाई जाएं जिससे फिरोजाबाद का नाम हिंदुस्तान में और विश्व के मानचित्र में, क्योंकि यहाँ कई चीज़ें हैं जिसमें नगर निगम काम करेगा, और आप इनकी जीत होने दीजिए, आप देखेंगे फिरोजाबाद का काम पूरे हिंदुस्तान में चर्चा करेगा। जी, कुछ एक योजनाएं आप गिनाना चाहेंगे जो आप लेकर आना चाहते हैं? सबसे पहली योजना ये है कि यहाँ उद्योग तो है लेकिन जो नौजवान लोग हैं उनके लिए कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा नगर निगम की मदद से जिसमें उनको रोजगार भी मिले, यहाँ पर्यटन का काम भी बढ़े, पर्यटन के स्थल हैं यहाँ, कांस से जुड़ा पर्यटन भी हो सकता है, इन सब चीज़ों पर है। और जब हम उसका खाका बना लेंगे तो प्रेस के सामने हमारा संगठन आपके सामने आपसे मिलेगा, घोषणा करेगा। जी, तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बार चुनाव के इस मैदान में उतरी है, और देखते हैं इनका प्रदर्शन कैसा रहता है, और साथ ही फिरोजाबाद की जनता इनका कितना साथ देती है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सराज सिंह एवं कृति कुलश्रेष्ठ एसके। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राज गब्बर,